नमस्कार दोस्तों, आपको रूबरू कराएंगे आज की फटाफट भरा खबरों से। आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज एक्सप्रेस हिंदुस्तान चैनल पर। के राष्ट्रपति पुतिन से पीएम नरेंद्र मोदी ने की बातचीत, कहा युद्ध रोके और बातचीत से निकलेगा हल। पीएम को पुतिन ने ताजा हालात की जानकारी दी। यह बातचीत करीब 25 मिनट तक चली। राष्ट्रपति बोले, रूसी सेना ने क्यू के एयरबेस पर किया कब्जा और बोले यूक्रेन में बड़ी संख्या में मारे गए लोग। से अब 16,000 भारतीयों को पोलैंड के रास्ते से निकालने का प्लान। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी यूक्रेन, पश्चिमी देशों के कहने पर छोड़ा हथियार, अब और पछतावा। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक। बैठक में राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई मंत्री रहे उपस्थित। ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की हर संभव प्रयास करने को कहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की इस विषय में बातचीत। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में देरी कर रही केंद्र सरकार। सिंह ने कहा कि यूक्रेन की हालत चिंताजनक है और भारत इस पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा सरकार वहां फंसे भारतीयों को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमले की निंदा, कहा यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए 100 से अधिक जेट अलर्ट। अमित शाह ने कहा योगी सरकार में दूरबीन लेकर ढूंढने पर भी बाहुबली दिखाई नहीं देते हैं, हर जगह बजरंगबली ही है। अमित शाह ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले चार चरण में बीजेपी की नींव डाली। अखिलेश बोले बीजेपी की हो गई खटिया खड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा एग्जिट पोल का ना करें इंतजार, चार चरणों के बाद दिग्गजों ने किए दावे। 26 मार्च से शुरू होगा आईपीएल का सीजन।